लगातार ब्रेड भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ से पुलिस डिटेन करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार शुरू कर चुकी है। पुलिस का ये कहना है कि ये जो यहाँ धारा 144 लगा हुआ है, धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है और यहाँ पे लड़कियाँ और कुछ युवा छात्र जो है वो आगे आने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अपने कैमरे में दिखाना चाहूंगा, देख सकते किस तरीके से यहाँ पे छात्रों को घसीट कर गाड़ी में बैठाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू। दोस्तों अभी आपने जो देखा ये दृश्य दिल्ली के विश्वविद्यालय के पास का है। आपको बता दें आज शाम 5 बजे वहां पे कुछ महिलाएं बैठकर धरना दे रही थी, तभी पुलिस आती है और ये कहती है कि 144 लगी है यहां पर, कृपया इकट्ठा ना हुए यानी पास में ना हुए। ना मानने पर आपने देखा भी कैसे पुलिस ने लाठीचार्ज कर अलग करने का काम किया। इसके ऊपर जो वहाँ पे महिलाएं बैठी उनका ये कहना है ये जो सरकार है ये सरकार सीधा भी भूषण का सपोर्ट कर रही है, सरकार की तरफ से अभी भी हमारी तरफ से FIR दर्ज नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं भी भूषण को सरकार बचा रही है। इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, ब्रजभूषण दोषी है नहीं दोषी है? हालांकि ब्रजभूषण ने ये भी कहा है अगर हम दोषी हैं तो हम फांसी भी चढ़ जाएंगे। इसके प्लस में आप क्या कुछ कहना है, ब्रजभूषण दोषी है नहीं दोषी, कमेंट में बताना। और वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।